हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अलग ही वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में जेवेनिन विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ आवश्यकता होती है विंडो 10 की आईसो फाइल की, जिसके लिए आप किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ गूगल ओपन कर रखा है, आप यहाँ पर टाइप कर देंगे विंडो 10 या फिर विंडो 10 डाउनलोड और आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं, फर्स्ट रिजल्ट आपके सामने आता है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से। आप इसको ओके कर देंगे, डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज आईसो फाइल माइक्रोसॉफ्ट। आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जब आते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने सेकंड ऑप्शन प्रदर्शित होता है, क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड टूल नाउ। आप यहाँ इस डाउनलोड टूल नाउ जो आपको टैब दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही एक 18.4 MB का एक एक्सटेंशन है जो आपके यहाँ डाउनलोड होगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, आप इसको ओपन कर लेंगे। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके नेट स्पीड पर कि आप कितने फास्ट आपका ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो सकता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वक्त लेगा और नोटिफिकेशन आपको यहाँ प्रदर्शित होगा। आप इसको येस कर देंगे। यहाँ जैसे ही आप येस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ विंडोज लिखकर प्रदर्शित हुआ है। इस प्रकार का स्क्रीन आपको यहाँ प्रदर्शित होगा, गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त लेगा, यहाँ आपको इस प्रकार का लाइसेंस एग्रीमेंट आपको प्रदर्शित होगा। आप यहाँ इस पर एक्सेप्ट जो टेब आपको प्रदर्शित हो रहा है, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपके पास में इसको डेक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं है। आप इसको कर देंगे यहाँ पर एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा वक्त वापस लेगा ये, यहाँ गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। आपको थोड़ा सा वेट यहाँ करना ही रहेगा, थोड़ा सा वेट आप यहाँ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का आपको ऑप्शन प्रदर्शित होगा, व्हाट डू यू वांट टू डू। आप यहाँ इसी पीसी को अपडेट करना चाहते हैं या फिर एडिशनल कोई अनदर पीसी है जिसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ सेकंड जो टैब आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव, और आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ क्लिक करते हैं, विंडो 10 जो है आपको यहाँ दिखेगी, एडिशन विंडो 10 आर्किटेक्चर, यहाँ 64 बिट आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। और दोस्तों यहाँ इसके बाद में आप यहाँ नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये है 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं यही आपको डाउनलोड करके बताने वाला हूँ। लास्ट तक आप वीडियो पर बने रहिएगा, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाएगा। आप यहाँ आईसो फाइल जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, चूज विच मीडिया टू यूज, आप आईसो फाइल आप यहाँ क्लिक कर देंगे और आप यहां नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। इसमें मैं आपको विंडो इंस्टॉलेशन से संबंधित A to Z जानकारियां देने वाला हूं। आप यहां जहां आप चाहते हैं वहां आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं यहां डाउनलोड सेक्शन में विंडो 10 आईसो के नाम से ही यहाँ सेव कर देता हूँ, क्योंकि विंडोज़ आईसो यहाँ पहले से मेरा कोई फाइल नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं सेव कर दूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रोग्रेस 0%। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, लगभग 5 GB की ये फाइल है, तो आप अपना अल्टरनेट जो सोर्स है इंटरनेट का, वो आप यहाँ तैयार रखेंगे और 5 GB की ये फाइल फुल डाउनलोड होने के लिए आप इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये फुल डाउनलोड हो जाती है, 0%, 1, 2, 3, 100% तक जब चली जाती है, तो आप इसको क्लोज कर देंगे, फिनिश कर देंगे। यहाँ दोस्तों मेरे पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं यहाँ इसको क्लोज कर दूंगा। मैं इसको श्योर यहाँ से क्विट कर जाता हूँ और मैं इससे बाहर आ गया हूँ। यहाँ मैं अपनी जो फाइल है उसको पहले, जहाँ भी फाइल है, मैं उसको एक बार ओपन कर लूँगा। आप देख सकते हैं विंडो 10, यहाँ ये मेरी फाइल रही। अभी दोस्तों आपको ज़रूरत होती है यहाँ पर एक पेन ड्राइव की, आप कोई भी एक पेन ड्राइव ले लेंगे जिसको आपको बूटेबल बनाना है। यहाँ पर दोस्तों इंसर्ट कर देंगे आप अपनी पेन ड्राइव की। दोस्तों यहाँ USB 2.0 है या फिर 3.0, ये चीज़ मायने नहीं करती। मायने करती है यहाँ पर एक ही चीज़, वो होती है आपका USB स्पेस। यहाँ USB स्पेस जो आपका है, कम से कम 8 GB होना चाहिए, क्योंकि 5 GB की आपकी आईसो फाइल यहाँ लगभग रहती है, इसलिए आपको कम से कम 8 GB की पेन ड्राइव यहाँ चाहिए होती है। दोस्तों, आप पेन ड्राइव को ओपन कर लेंगे और यहाँ आप इसको बूटेबल बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप इसको फॉर्मेट कर देंगे। आप यहाँ जब फॉर्मेट करते हैं, तो यहाँ दोस्तों मैं किसी प्रकार के, इसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर करूँगा, जैसे आप देख सकते हैं कैपेसिटी यहाँ 14.4 GB प्रदर्शित हो रही है, मेरी 16 GB का पेन ड्राइव है। आप यहाँ कर देंगे FAT32 डिफ़ॉल्ट, आप इस पर यहाँ क्लिक कर देंगे और दोस्तों आप यहाँ
क्विक फॉर्मेट स्टार्ट कर देंगे। आपको वार्निंग मिलेगी, आपका जितना भी डेटा है वो या डिलीट हो जाएगा, आप इसलिए एक बार सोच लें और उसको उसके बाद में ओके करेंगे। आप यहाँ ओके कर देंगे, यहाँ फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है दोस्तों, आप यहाँ इसको ओके कर देंगे और आप इसको क्लोज कर देंगे। अभी दोस्तों आप अपनी विंडो फाइल पर जाएंगे, यहाँ से फाइल ओपन कर लेंगे, यहाँ कंट्रोल ए दबाकर आप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी दबा देंगे, आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव में आ जाएंगे, पेन ड्राइव को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे डेटा को। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वक्त लगेगा, जितना भी जैसा आपका पेन ड्राइव है 3.0 2.0 उसी हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग में समय लगेगा। जैसे ही ये 100% हो जाएगी तो अपने दोबारा मिलेंगे। दोस्तों 99% कंप्लीट यहाँ हो चुका है। दोस्तों एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा, आप यहाँ वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको विंडो 10 फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। क्योंकि आप चाहे कैसे भी आप यहाँ विंडो इंस्टॉलेशन करें, चाहे आप विंडो करप्ट हो गई हो, या फिर अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर आपने नया सिस्टम परचेज किया है, इफ़ एनी रीज़न आप कैसे भी यहाँ यदि अपडेट करते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों बूटेबल जो USB है आपका यहाँ रेडी हो चुका है, वो भी बिना किसी प्रकार के अदर सॉफ्टवेयर के। अभी दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको मेरे PC स्क्रीन की ओर। दोस्तों आप यहाँ बूट जो की है वो आप प्रेस कर देंगे और अपने सिस्टम को आप बूट कर देंगे। जो भी की आपकी यहाँ बूट रहती है अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, यहाँ अलग अलग बूट की रहती है। आप यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ गूगल पर सर्च कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सेटिंग यहाँ ओपन हो चुकी है। बूट सीक्वेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी आप दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बूट मेन्यू ओपन हो चुका है। आप यहाँ यदि स्क्रीन को देखेंगे तो स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ आपने जो भी इंसर्ट किया है, लेगेसी बूट आपका USB स्टोरेज डिवाइस जो है उसके अंदर मैंने यहाँ USB को काम में लिया है, तो मैं यहाँ एरो की के द्वारा USB सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप एंटर कर देंगे। और यहाँ आपका जो सिस्टम है वह ओपन हो जाएगा विंडो के साथ में। यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेज टू इंस्टॉल आप यहाँ यही रहने देंगे, यहाँ पर जो टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है ये आप चेंज कर लेंगे। यदि आप इंडिया में हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया, इंग्लिश इंडिया। कीपैड जो है इनपुट मेथड वो इंग्लिश इंडिया। आप नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेटअप इज स्टार्टिंग, थोड़ा सा वक्त यहाँ लेगा, आप वेट करेंगे। यहाँ पर यदि आपके पास में प्रोडक्ट की है तो आप एंटर कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करेंगे जहाँ मेरा माउस कर्सर चल रहा है, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, आप इस टैब पर क्लिक कर देंगे। अभी आपके सामने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पेन ड्राइव में हैं वो आपको सारे यहाँ प्रदर्शित होंगे। विंडो 10 होम, विंडो 10 नवंबर वर्जन है, सिंगल लैंग्वेज है, एजुकेशन है और विंडो 10 प्रो है। मुझे यहाँ 10 प्रो इंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ 10 प्रो पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में आप यहाँ बना हुआ जो आपको नेक्स्ट टैब प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप दोस्तों क्लिक कर देंगे। यहाँ दोस्तों आप लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ लेंगे, यहाँ चेकबॉक्स में आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यदि आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा, इसलिए आपको आप चाहें या ना चाहें यहाँ आपको इस चेकबॉक्स में क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप यहाँ नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देंगे। अभी यदि आप अपने पुराने विंडो को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड यहाँ क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि आप जो है कस्टम, यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे, आप फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन यहाँ करें। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा 1 TB का यहाँ हार्ड ड्राइव है और वह है बिना किसी पार्टीशन के है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये तो सिस्टम रिजर्व है और ये अनलोकेटेड स्पेस है मेरा। मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा एक न्यू डिवाइस की ओर। आप किस प्रकार से पार्टीशन करें यहाँ आप देख लेंगे, ये है जो आपको प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पूरा जितना भी स्पेस है इसका सारा स्पेस यहाँ आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना स्पेस आप यहाँ देना चाहते हैं आप यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ आप अप्लाई टैब पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 100 GB का मेरा एक स्पेस क्रिएट हो गया है। यहाँ मैं और एक नया जो ड्राइव है ऐड कर दूंगा तो इसके लिए मुझे यहाँ जितना भी यहाँ मैं 200 GB का यहाँ यदि ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा 200 GB
और अप्लाई कर दूंगा। अभी जितना भी शेष बचा है उस सभी को मैं एक ही ड्राइव में रखना चाहता हूं, तो यहां मैं डायरेक्ट आपके जो साइज यहां प्रदर्शित हो रही है आप यहां डायरेक्ट अप्लाई टेप पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपके जो पार्टीशन है बनकर यहां तैयार हैं, आप यहां क्लिक कर देंगे फर्स्ट पर। दोस्तों मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 100 GB या फिर 150 GB, यदि आपके पास में स्पेस ज्यादा है तो आप 150 GB तक न्यूनतम यहां जो इंस्टॉलेशन के लिए लोकल डिस्क सी को रखेंगे, क्योंकि आजकल जितना भी डेटा है वह आपका लोकल डिस्क जो सी है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है डेस्कटॉप पर ज्यादा रहता है, इस वजह से आप इस पार्टीशन का ख्याल रखेंगे। दोस्तों मैं यहां क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट टैब पर। आप यहां जैसे ही आपके पार्टीशन हो जाते हैं, आप देख सकते हैं पार्टीशन तैयार है, आप क्लिक कर देंगे नेक्स्ट टैब पर। यहां थोड़ा सा वक्त लेगा, ये फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड में थोड़ा सा वक्त लेगा, थर्ड और फोर्थ जल्दी हो जाएंगे। अपने वेट करते हैं इसका जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता। यहाँ आप 1% हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 98% हो चुका है। आगे का जो स्टेप है बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पूरे हो जाते हैं। आप यहाँ रिस्टार्ट नाउ कर देंगे, आप यहाँ इसको नॉर्मल रिस्टार्ट होने देंगे। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ पूर्ण जानकारी विंडो 10 इंस्टॉलेशन के बारे में, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ जो समय है वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग लगता है कि किस प्रकार का आपका सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, न्यू सिस्टम है, उसका प्रोसेसर कैसा है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है यहाँ लगने वाला जो समय है वो। दोस्तों कंट्री आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे यस। इसके बाद में दोस्तों आप इन दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट, आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर देंगे इंग्लिश इंडिया और यस कर देंगे। दोस्तों डू यू वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड लेआउट, यदि आप सेकंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ इंग्लिश और नेक्स्ट कर देंगे, आप ऐड लेआउट आप कर देंगे। जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा यहाँ वक्त लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप नेटवर्क प्रोवाइड करवा देंगे, आप कनेक्ट कर देंगे वाईफाई से सिस्टम को, आप यहाँ पासवर्ड ऐड कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। आप यहाँ ये स्टेप पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं आपका यहाँ कनेक्शन ऐड हो चुका है वाईफाई, आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ वक्त लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप पर्सनल यूज के लिए सेट करना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक कर देंगे सेटअप फॉर पर्सनल यूज, आप यहां नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देंगे। यहां आप अपना ईमेल प्रोवाइड करवा देंगे, अदरवाइज आप यहां नेक्स्ट कर देंगे। आपको एक कोई भी एक यहां मेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करवाना रहेगा, या फिर आप यहां इस पर क्लिक कर देंगे ऑफलाइन अकाउंट, यदि आप प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते हैं किसी प्रकार का मेल एड्रेस। यहाँ दोस्तों आप लिमिटेड एक्सपीरियंस जो है इस पर यदि क्लिक करना चाहते हैं तो इस पर कर देंगे, अदरवाइज आप गेट इट नाउ पर क्लिक कर देंगे। यदि आप गेट इट नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको मेल एड्रेस प्रोवाइड करवाना होगा, आप यहाँ लिमिटेड एक्सपीरियंस पर यहाँ क्लिक कर देंगे। आप पीसी को जो भी नाम यहाँ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं नाम आप यहाँ पीसी का दे देंगे। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देंगे, यदि आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पासवर्ड एंटर कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों, आप यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन होगा, आप यस कर देंगे। यहाँ आप डिजिटल असिस्टेंस जो है इसको एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज आप डेक्लाइन कर देंगे। मैं यहाँ एक्सेप्ट करके बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप यहाँ पर जो जो चाहते हैं बंद करना आप बंद कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ मेरा लोकेशन जो है ऑफ कर दिया है, मैंने डायग्नोस्टिक डाटा यहाँ मैंने ऑफ कर दिया है, यहाँ एक्सपीरियंस मैंने यहाँ शेयर करने के लिए मैंने यहाँ नो कर दिया है, एडवर्टाइजिंग आईडी मैं यहाँ नो कर देता हूँ और मैं यहाँ एक्सेप्ट कर दूंगा। एक बार दोबारा यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों विंडो आपकी यहाँ सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। देख सकते हैं नीचे की तरफ भी आपको यहाँ आइकन प्रदर्शित हो रहे हैं, कुल 2 आइकन आपको यहां प्रदर्शित हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके बाय।